आपने घबराना नहीं है। जी समझ गया ना हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो शख्स बार बार ये बात कहता है वही घबराया घबराया सा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री प्रेशर ही नहीं झेल पाते। यूटर्न मारने में तो वो पहले ही सबको पीछे छोड़ चुके हैं। अब जब भारत से कपास चीनी लेने के लिए नाक रगड़ना पड़ा और इसकी आलोचना होने लगी तो फिर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने यूटर्न ले लिया। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने घरेलू स्तर पर हो रहे विरोध के आगे झुकते हुए भारत से कपास और चीनी के आयात के फैसले को वापस किया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स बताती है कि इमरान खान की कैबिनेट ने भारत से कपास और चीनी आयात करने के कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति के फैसले को खारिज किया है। भारत से कपास मंगाने की कपड़ा उद्योग मांग कर रहा था, वहीं कट्टरपंथी इस बात के लिए इमरान सरकार की आलोचना कर रहे थे कि वो कश्मीर में बदलाव हुए बिना ही भारत के सामने झुक गए। हालांकि अब ये फैसला भले ही उन्होंने रोका हो पलटा हो लेकिन भारत के आगे वो झुके हुए तो दिख ही रहे हैं। अब पाकिस्तान के पीएम हो या फिर वहां के सेना प्रमुख, दोनों की बोली बताती है कि अब उनकी गोलियां काम नहीं आ रही। पाकिस्तानी कैबिनेट के फैसले में कपास के आयात के फैसले पर रोक लगाने का फैसला हुआ, लेकिन इसके पीछे की कहानी है कि जब मंजूरी मिली तो इसकी बहुत तेजी से आलोचना होनी शुरू हुई, जिसके बाद इमरान खान अपनी इमेज सेविंग में लग गए। समिति ने मंजूरी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान 30 जून 2021 से भारत से कॉटन का आयात करेगा। पाकिस्तान सरकार ने निजी क्षेत्र को भारत से चीनी के आयात को भी मंजूरी दे दी थी। पाकिस्तान ने कई सालों से खुन्नस में भारत से कॉटन और अन्य कृषि उत्पादों के आयात पर रोक लगाई हुई है। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान में चीनी की बढ़ती कीमतों और संकटों से जूझ रहे कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए पाकिस्तान की इमरान सरकार ने भारत के साथ व्यापार की फिर से शुरुआत करने की मंजूरी दी थी। कपास की कमी के कारण पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग को भारी संकट से गुजरना पड़ा। पाकिस्तान का कपड़ा मंत्रालय भारत से कपास के आयात पर लगे बैन को हटाने की सिफारिश कर चुका था ताकि कच्चे माल की कमी को दूर किया जा सके। लेकिन पहले मंजूरी और फिर उससे पलट जाना यह बताता है कि पाकिस्तान के पीएम कितने घबराए हुए हैं और कितने दबाव में। वैसे भी इससे भारत को तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भारत के आगे पाकिस्तान ही सामने आया था। उसी ने राख रगड़ी, उसी ने दोस्ती की दुहाई दी और अब उसी ने अपना फैसला पलट दिया। लेकिन पाकिस्तान चाहे जो करे लेकिन वो आतंक का समर्थन बंद नहीं करता, तो उसका इलाज भारत यूं ही करता रहेगा।